मोटिवेशन, इंस्पिरेशन या पॉसिबिलिटी लंबे समय तक टिकती क्यों नहीं है, इसके बारे में आज बातचीत करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। कभी सारे मोटिवेशनल वीडियोज हम देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंस्पिरेशनल वीडियोज किताबें हैं, कोई वर्कशॉप अटेंड करते हैं, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं, कोई बहुत ही अच्छा वक्ता होगा उसका भाषण सुनते हैं और फिर ऐसा लगता है कि बस अब मैंने कुछ तो भी करना चाहिए, अब तो ऐसा लगता है कि आग लगा दूंगा, अब तो ये करूंगा, यूं करूंगा, त्यों करूंगा, ऐसा बिल्कुल प्लान भी बना के बिल्कुल वहां से बहुत उत्साह करके बाहर निकलते हैं और फिर क्या होता है, घर में आके सो जाते हैं, दूसरे दिन जब उठते हैं तो अपने रोज के सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं, रोज की जिंदगी में चले जाते हैं और फिर वहां से सब भूल जाते हैं। वो रिन्यू नहीं किया, रिवाइव नहीं किया, रिवाइज नहीं किया वो जो हमने पढ़ा हो, तो 24 घंटे के अंदर 90% भूल जाते हैं। तो ये भूलना नहीं चाहिए करके क्या है, सबसे पहले महत्व का ये है कि जैसे हम सुनते हैं मोटिवेशनल वीडियो या कोई पॉसिबिलिटी का आविष्कार करते हैं या ढूंढते हैं, पॉसिबिलिटी तैयार करते हैं, प्लान तैयार करते हैं, भाषण सुनते हैं, तो पहले 24 घंटे के अंदर उसकी रिविजन होना जरूरी है। और उसके साथ साथ अभी मैं कौन सी एक्शन लेने वाला हूँ उसकी भी लिस्ट करना जरूरी है तुरंत। जब आप एक्शन की लिस्ट बनाते हैं और एक्शन लेना शुरू करते हैं, सिर्फ एक्शन की लिस्ट बना के नहीं है, एक्शन लेना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, एक्शन लेना आप शुरू करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगी। और जब आपको कुछ सफलता मिलेगी तो क्या होता है, आपको वो हो जाता है पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट। पॉजिटिव रीइन्फोर्समेंट हो गया मतलब अच्छा लगता है, फील गुड हार्मोन सीक्रेट होते हैं जब सक्सेस मिलता है, तो वहां से फिर जब अच्छा लगता है तो फिर और एक्शन करने की इच्छा होती है, और एक्शन करेंगे और रिजल्ट्स आएंगे, और रिजल्ट आएंगे तो फिर और हार्मोनल सिक्रेशन होगा तो वो टिकेगा, जो मोटिवेशन इंस्पिरेशन है वो टिकेगा। दूसरा यह है कि जब भी कोई हम मोटिवेशनल सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो लोगों के साथ में हमने शेयर करना चाहिए, शेयर करो और अभी मेरे जीवन में क्या संभव है वो लोगों से बातचीत करके उनको भी अपनी जो संभावना है उसमें उनको भी एनरोल करो, और वो उनको जब आप एनरोल करेंगे अपनी संभावना में, उनको आपकी संभावना शेयर करेंगे तो उनको भी ऐसा लगेगा कि ठीक है ये बोल रहा है, ये इसमें दम है और ये हो सकता है, और वो भी शायद उसमें इंस्पायर्ड होगा या मोटिवेटेड हो जाएगा। फिर तीसरा जो है कि आपकी जो भी संभावना है, जो भी मोटिवेशन है, जो भी आपको लगता है कि करना चाहिए, वो घर में जाके सेंचुरी पेपर के ऊपर लिख के दो चार जगह लगा दो, और जब आप दो चार जगह लगा देंगे तो क्या होगा, वो बार 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 आपको याद आएगा, मुझे ये करना है, मुझे ये गोल अचीव करना है, मैंने ये सोचा था कि करना है, ये मेरा इंस्पिरेशन है, इसने मुझे इंस्पायर किया था, ये मैंने ठहराया था कि मैं ऐसा करूंगा, तो क्या होगा, वो आपको बार 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 याद दिलाएंगे। तीसरा, चौथा, आपके कोच के साथ में, आपके मेंटर के साथ में वो शेयर करो और बोलो कि भाई मैं इसके बारे में ये एक्शन लेने वाला हूँ और आप मुझे होल्ड टू अकाउंट करो, वो आपको पकड़ेगा कि आप नहीं करते होंगे उसमें एक्शन, तो कोच को अपने तैयार किया और वो अपने को होल्ड अकाउंट करेगा, या अपना दोस्त होगा जो अपना कमिटेड लिसनर है, वो कमिटेड लिसनर आपको सुनेगा और आपको होल्ड अकाउंट करेगा क्योंकि तुमने ऐसा बोला तो मैं करूंगा, आपने किया नहीं। फिर रोज सुबह उठ के जो आपने सोचा था वो मोटिवेशनल वर्कशॉप सुन के या वीडियो देख के, वो रोज उसका अफर्मेशन में अपने आप को बताओ, जताओ, सजेशन दो। समझो ऐसा आपको लगा था कि मैं बहुत बड़ा बिजनेस करूंगा या बहुत बड़ी कार खरीदूंगा या बहुत बड़ा मकान खरीदूंगा, ऐसा आपको लगा था तो वो कार खरीद लिया है, मैं बड़े बंगले में रहने को गया हूं, मतलब इस तरह का हो गया है, वो डन डील है, ऐसा समझ के उसको विजुअलाइज करो। उसको जब इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे जो आपने गोल ठहराए थे, बार 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 जब आप करेंगे तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से जो मोटिवेशन आपको मिला है, जो संभावनाओं की आपने खोज की है, जो इंस्पिरेशन आपको मिला है, जो भी पॉसिबिलिटी है उसको टिकाना है, तो ये आप अटेम्प करते हो तो उसमें फायदा हो जाएगा। मैं फिर रिवाइज कर रहा हूँ, एक तो क्या है उसके बारे में एक्शन लेना चालू करो, नंबर दो लोगों को शेयरिंग करना चालू करो, नंबर तीन सब जगह लिख के रखो जहाँ बार बार घर में विजिट करते हैं, नंबर चार आप आपके कमिटेड लिसनर को और आपके दोस्त को बोलो और उसको बोलो कि मुझे होल्ड टू अकाउंट कर, नंबर पाँच रोज सुबह उठ के विजुअलाइजेशन करो, अफर्मेशन अपने आप को दो, तो ये आप करेंगे तो जो भी संभावना है वो टिकेगी, आपको सफलता मिलते जाएंगी और आप अपने जीवन में बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।